लेकिन धर्म की बात तो यह है कि दीपाली से मिलने के बाद मैं खुद पागल हो गया। अच्छा प्यारे, ऐसी चीज है वो? चीज की बात पूछते हो। परियों में कोकाब की परी, बुतों में अजंता एलोरा का बुत, फलों में कश्मीर का सेब। बस बस बस, मेरा धर्म खराब मत करो, मैं आगे ही अकेला हूँ। दरवाजा खोलो। लो, वो पागल बूढ़ा फिर आ गया। अरे दरवाजा खोलो, नहीं तो तोप से उड़ा दूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं 10 तक गिनता हूँ, अगर 10 गिनने तक दरवाजा नहीं खुला तो किसी की खैर नहीं, समझे? 1, 2, 3। बेटा मैंने तो अभी 3 तक ही कहा है, 10 पूरे कहा हुए हैं, और फिर बंदूक का जवाब बंदूक से नहीं देते, इसको नीचे कर लो। आप बंदूक से डराना भी जानते हैं और डरना भी? ऐसी कोई बात नहीं है, बात यह है कि तुम अभी बच्चे हो, और बेटा बहुत नाजुक नाजुक बच्चे, ऐसे खतरनाक हथियारों से नहीं खेला करते। चलो इसका मुंह उधर कर दो, उधर कर दो। तुमने अभी तक ये मकान खाली क्यों नहीं किया? फिर से बंदूक का क्या मतलब? मैं तो शिकार पे जाने के लिए बंदूक को साफ कर रहा था। शिकार पे जाने के लिए? क्या कहा तुमने? हाँ, शिकार पे जाने के लिए। शिकार? वेरी गुड, तुम शिकारी हो? शिकार तो हमारा खानदानी शौक है। वंडरफुल, फिर मैं गाँव में नाराज हो रहा था। अब कोई परवाह नहीं, शिकारी के तुम्हें 100 गुना माफ कर सकता हूँ। घूम जाओ। ये शिकार का शौक तुम्हें कब से? जी बचपन से, मेरे पिताजी हिंदुस्तान के नामवर शिकारी थे। अरे ऐसा कौन सा नामवर शिकारी है जिसको मैं नहीं जानता? क्या नाम था उनका? लाला लोपी प्रसाद। अरे रे 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 रे, वो तुम लाला लोपी प्रसाद के बेटे हो? अरे वो लोपी प्रसाद जिसको देखकर जंगल के जानवर अलोप हो जाते थे। अरे वो तो इतने बड़े शिकारी थे कि इंसान तो इंसान, जानवर भी उनको अच्छी तरह जानते थे। एक बार अफ्रीका के जंगल में एक आदमखोर शेर ने उनको देखा और अपनी खाल छोड़कर भाग गया। लेकिन मेरे पिताजी अफ्रीका तो कभी नहीं गए। तो अमेरिका होगा। लेकिन उन्होंने तो अपनी सारी जिंदगी भोपाल के जंगलों में गुजार दी। अरे याद आया, मेरी याददाश्त तो क्या हो गया है, भोपाल में ही मैं उनसे मिला था। मैं जिस शेर का पीछा कर रहा था वो भी उसी शेर के पीछे थे। जब हम बिल्कुल करीब हुए तब हमें पता चला कि वो शेर नहीं था बल्कि जंगली कुत्ता था। कुत्ते का क्या नाम है जी? मेरे तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है? राम भरोसे। ओह, इसको राम के भरोसे रहने दो। तुम्हारा क्या नाम है? प्रीतम। ओह वेरी गुड नेम। प्रीतम, जब तुम छोटे से थे तब तुम्हें आलोपी प्रसाद जी की गोद में मैंने देखा था, और अब माशाल्लाह क्या दिल डाल निकली है, क्या कद है, क्या सूरत है। जी तेरा बेटा, अजो बेटा, अगर तुम मूछे रख लो तो बिल्कुल आलोपी प्रसाद नजर आओगे। लेकिन मेरे डैडी की मूछे कभी नहीं थी। अरे तुम्हें नहीं मालूम थी, जब शिकार पे जाते थे रख लेते थे। आज सचमुच फखर से मेरा सर कुतुब मीनार हो गया है। फखर किस बात का? अरे फखर इस बात का कि तुम मेरी भांजी के प्रीतम हो। और किस बात का? अरे दीपाली भी कितनी खुशकिस्मत है जिसको तुम जैसा नौजवान खूबसूरत जीवन साथी मिल रहा है। देखो बेटा, मेरी धमकी वमकी से डरना वरना नहीं, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। किस बात की? अरे मेरी भांजी से मिलने जुलने की और किस बात की, शुरू हो जाओ। आप ये दिल से कह रहे हैं? और नहीं तो क्या, नाक से कह रहा हूँ, कमाल आदमी है। देखो बेटा, कल मैं अपनी भाजी को यहाँ लेकर खुद आ रहा हूँ। क्या जोड़ी है, प्रीतम और दीपाली, दीपाली और प्रीतम। खाना खा ले। नहीं खाऊंगी, मुझे भूखा मरना है। धमकी देती है, समझती है तो धमकी से डर कर तो छुट्टी दे दूंगी। मत दो, मैं इस दुनिया से ही छुट्टी कर जाऊंगी। जो मर्जी कर, याद रख अब तो ये कमरा उसका खुला रहेगा, वो मुर्दुआ यहाँ से चला जाएगा। मुझे अभी अभी सुंदरम ने आके बताया है तो उसने तभी तक यहाँ डेरा डाला हुआ है। अरे बहन, तेरी जुबान चलती है तो फ्रंटियर मेल की तरह चलती है। इधर मेरी बात सुन। देख बहन, जवान लड़की है, अगर ज्यादा सख्ती की तो कुछ कर बैठेगी या भूखी मर जाएगी। तो क्या करूँ भैया, हिरनी की तरह चौकड़ी भरती है, कुल्ली भी तो नहीं छोड़ सकती। ऐसा करता हूँ कि आज उसे मैं हंटिंग क्लब में ले जाता हूँ, वहां जाकर उसे खा पी लेगी। भैया अगर वहां से खिसक कर उसे मिलने चली गई तो? अरे गोली मार दूंगा। लेकिन भैया जरा कड़ी नजर रखना। अरे नजर क्या होती है बहन, मैं उसके कंधे पर बंदूक रख कर बैठूंगा। हाँ जाओ 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 जाओ। ओहो शेप बना रहे हो आप, मगर तुम्हें शेप की क्या जरूरत है? कुछ जवान ऐसे भी होते हैं जो हर रंग में खूबसूरत नजर आते हैं। माफ करना, आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए ना, बैठते क्यों नहीं? क्या पियेंगे आप?
ठंडा या गर्म? नहीं बेटा, आज ठंडे और गर्म दोनों की जरूरत नहीं। देखो मैं दीपाली को यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, तुम बच्चों के बीच में, मैं बूढ़ा क्या करूंगा, एक आध घंटे के बाद आकर वापस ले जाऊंगा। दीपाली बेटा, ये भी अब मेरा बेटा है, घबराना नहीं, खुल के बात करना। ओके बाय बाय। कल तक तो ये जिद थी कि न मुंह देखेंगे उनका, और आज ये आलम है कि खुद दर पे खड़े हैं। कहिए मिजाज कैसे हैं? मिजाज तो अच्छे हैं, लेकिन भूख लगी है मुझसे ज्यादा। आप भी भूखे हैं? चलिए रसोई में चलिए। ओ, आप पेट की भूख की बात कर रही हैं? मैं तो मोहब्बत का भूखा हूँ। वो तो आपकी शक्ल से जाहिर है, जल्दी से बताइए रसोई कहाँ है। चलिए रसोई उस तरफ, लेकिन नौकर नहीं है, अलबत्ता खाना बना कर रख गया है। अच्छा खाना तैयार है? जी हाँ, आप ठहरिए, मैं प्लेट में डाल के लाता हूँ। आप यहाँ ठहरिए, मैं खुद ले आती हूँ। कहो प्रीतम प्यारे, क्या बात है, अकेले ही चक्कर लगा रहे हो? कहाँ है उस बूढ़े पागल की जवान भांजी दीपाली? रसोई में। हाँ, भूखे को खा भी आते हैं तो रसोई क्या आते हैं। खाने का रंग भी अच्छा है, जायका भी। वो कौन थी और ये कौन है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इससे पहले कि तुम ये समझोगे ये किसी लड़की की आत्मा है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ये है दीपाली। ओहो अच्छा, तो आप ही दीपाली हैं? तो आप क्या समझे मैं नेपाली हूँ? मैं समझा आप भोपाली हैं, क्योंकि इनके पिताजी भी भोपाल के थे। ये भोनचाल कौन है? ये मेरा बहुत बड़ा दोस्त है। नजर तो ये छोटे से आते हैं। इसी में मेरा बड़ापन है, मेरा नाम राम भरोसे है, मुझ पे भरोसा रखो। राम भरोसे, वो तुम्हारी 11 बजे की अपॉइंटमेंट का क्या हुआ? वो तो मैंने 10 बजे ही कर ली। हाँ, तुम्हारा एक फोन आया था, फोन वो मैंने सुन लिया था। मैंने तुम्हारे जाने के बाद आया था, बाद। अरे बेवकूफ, मैंने जाने के पहले सुन लिया था, पहले। फिर से जाके सुनो, फिर से। ओहो, तुम्हारा वो मतलब है। हाँ। मैं भी खोता हूँ दीपाली जी, वैसे तो मैं आदमी बड़ा महाविद्वान हूँ, लेकिन जरा देर से समझता हूँ। अच्छा भोपाली जी नमस्ते। मेरा नाम भोपाली नहीं। भोपाली हो या अम्रपाली, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन। नमस्ते दीपाली, सच बात तो ये है कि तुम सर से पांव तक खूबसूरती का एक मुजस्समा हो। एक चपाती डाला। चपाती? ये लो, एक मेरी तरह से भी खा लो। दीपाली, मेरे बारे में तुमने क्या राय कायम की है? कड़वी है। कड़वी है? मिर्च। दीपाली, अगर मुझ में क्या खराबी है? खूबसूरत हूँ, सेहत भी अच्छी है, 25 साल की उम्र है, पैसे भी अच्छे कमा लेता हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए? दाल। दाल? ये लो दाल, और कुछ? पानी। ये लो दीपाली, क्या मैं तुम्हारी तनहा रातों का साथी बन सकता हूँ? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मुझे आपका खाना पसंद है। मेरा खाना पसंद है? मैंने ही बनाया है, तो मुझे अपना कुक ही समझ लो। आप कुक नहीं, क्रुक जरूर हैं। अभी आपने कहा था खाना नौकर बनाकर गया है, रुमाल दीजिए। अच्छा अब मैं जाती हूँ। वाह, खाए पिए और चल दिए, असली बात तो अभी बाकी है। अब कुछ बाकी नहीं, मुझे तो अपनी एक सहेली से मिलना था, इसलिए ये मौका पाकर मामा के साथ यहाँ आ गई। और मैं।